हेलो इंजीनियर तीसोर सदी। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है एक एटीएम मशीन। मतलब आप आसानी से घर पे एक एटीएम मशीन बना सकते हैं और इसमें से पैसा भी आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको बनाया है, तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि इस प्रकार से आसानी से हम लोग घर पे एक एटीएम मशीन बना के इसके अंदर से पैसा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी तो सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, तो अभी हम लोग इसी सर्किट पे हम लोग लगाएंगे जो कि RFID को लगाएंगे, एक डिस्प्ले लगाएंगे और एक कीपैड, जो पासवर्ड देंगे हम लोग वो कीपैड लगाएंगे, और साथ में बाजर भी लगा सकते हैं, मतलब साउंड के लिए, अगर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और इस पर एक मोटर लगाएंगे जिसके मदद से जो कि पैसा इसमें से बाहर निकलेगा। तो ये जो सभी कुछ हम लोग इसको फिट करेंगे, और कहाँ पे फिट करेंगे, एक बेस पे फिट करेंगे। तो वो बेस अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, किसी भी स्टाइल से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं मेरे स्टाइल पे इसको बना रहा हूँ, तो चलिए बेस को बना के इस पे हम लोग पहले इसको फिट करेंगे। अभी तो आपने देखा है कंप्लीट सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया है, अभी इसी पे प्रोग्रामिंग डालेंगे। डालने के बाद अभी इसका जो प्रोग्रामिंग डालने के बाद ये आसानी से काम करेगा। तो प्रोग्रामिंग आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड करके अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो आप कार्ड देख रहे हैं ये RFID कार्ड है, एक्चुअली इसको हम लोग यूज करेंगे जो कि ATM होते हैं, ATM की तरह यूज करेंगे और यहाँ पे स्कैन करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा क्या क्या हो रहा है, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो जो कि आपके जो पैसे है वो निकल के आ जाएगा। ये एक मतलब डेमो वर्जन है, तो अभी आपको दिखा दे, तो इसका पावर देते पहले। तो देखिए ATM यहाँ पे आ गया है, तो अभी ये अभी स्टार्ट हो गया है। तो इसको पहले हम लोग स्कैन कर दिया, तो अभी एंटर पिन लिखा रहा है, पिन को हम लोग दे देंगे, दे दिया। अभी प्रोसेसिंग हो रहा है और अभी पैसा निकल के आ गया है, देखिए पैसा आ रहा है। तो इस तरह आसानी से एक ATM मशीन हम लोग घर पे बना सकते हैं। तो अभी इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक बेस के अंदर फिट करेंगे, करने के बाद इसका जो पैसा है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इसका जो टाइमिंग है वो हम लोग एडजस्ट करके इस पर डालेंगे और वही टाइमिंग के हिसाब से पैसा आ जाएगा। तो ये एक्चुअली एक डेमो वर्जन है, इसलिए पैसे को हम लोग एक बार स्कैन करके एक बार पासवर्ड देने से एक ही मतलब नोट निकलेगा, इस तरह हम लोग इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अभी चलिए बेस पे लगा के इसको कम्प्लीटली सेट करते हैं। तो अभी देखिए सर्किट को मैंने दोबारा इंस्टॉल कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग चीज लगाया है जो कि पैसा जब भी निकलेगा तो एक एक करके निकलेगा। तो यहाँ पे कौन सा चीज लगाया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सार्बो एक लगा दिया है जो कि
पैसे को जाम करके रखेगा। तो जब भी पहला पैसा निकलेगा उसके बाद सार्बो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, आने के बाद दूसरे पैसा ऊपर की तरफ आ जाएगा और इस मोटर के साथ जाम हो जाएगा, होने के बाद दोबारा दूसरा पैसा आएगा। इस तरह ये काम करता है, इसलिए मैंने सार्बो को फिट कर दिया है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं सार्बो किस प्रकार से एक्चुअल में काम करते हैं। तो अभी पावर को ऑन करते हैं। तो अभी देखिए पावर ऑन हो गया है और एटीएम अभी स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा अभी कम्प्लीटली रेडी हो गया है। तो अभी देखिए, तो अभी डिटेक्ट हो रहा है, तो एंटर पिन इस पर दे रहा है, तो पिन डालने के बाद एक्सेप्ट हो रहा है, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। तो अभी देखिए क्या एक ही पैसा इसमें से बाहर आ गया है। तो इस पैसे को हम लोग ऐसे निकालेंगे, उसके बाद मोटर जो है वो जो सार्बो है, सार्बो थोड़ा ऊपर आ जाएगा इस तरह। आने के बाद अभी देखिए दोबारा जब भी हम लोग इस पर डालेंगे तो फिर से ये काम करेगा। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं एक्चुअली में। आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो ये रहा एक एटीएम मशीन। तो यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे आप लोग जो कि कार्ड को डालेंगे, यहाँ से कैश निकलेगा और डिस्प्ले पे आप लोग जो भी कमांड है वो देख सकते हैं। तो अभी इसका पावर ऑन करते हैं। तो एटीएम लिखा आ रहा है इसमें, तो अभी इस पर पेमेंट हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो एटीएम कार्ड, मैंने ये जो कार्ड आप देख रहे हैं इस कार्ड को मैंने एटीएम कार्ड बना दिया है। ये एक आरएफआईडी कार्ड है जो कि वायरलेसली काम करता है। तो इसको हम लोग इस पर डालेंगे। तो यहाँ पे एंटर पिन लिखा है, तो पिन मैंने दे दिया है 0806। तो पिन एक्सेप्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी कैश निकलेगा। तो अभी कैश आ गया है, देखा आपने, इस तरह हम लोग कैश निकाल सकते हैं। तो एटीएम को फिर से निकाल देते हैं, उसके बाद फिर से अगर डालेंगे तो फिर से काम करेगा। तो देखा आपने, इस तरह हम लोग एटीएम जो कि एटीएम से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग घर पे एक एटीएम मशीन बना सकते हैं और इसके साथ पैसे भी निकल सकते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।